हेलो, मैं अभी अलग वीडियो बना रही हूँ इंग्लिश और हिंदी में, पर मैं बात सेम चीज़ का कर रही हूँ क्योंकि मुझे डबिंग अजीब लगता है। तो मेरे जोक्स थोड़े शायद अलग होंगे, पर मैं वैसे भी ज़्यादा जोक नहीं करती। ये वीडियो में मुझे ऐसी चीज़ पे बात करनी है जो मेरे लिस्ट पे भी थी वीडियो बनाने के लिए, पर जो कमेंट्स मुझे मिले मेरे फर्स्ट वीडियो से उसमें से भी बहुत सारे कमेंट्स ने वही चीज़ें के बारे में बात किया। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि आपको बिज़ी रहना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको अच्छे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो दो मिनट जाके मेरे Instagram पे चेक करना कि मेरे दोस्तों क्या कह रहे हैं मेरे बारे में इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन पे, कि मैं अपने आप को कितना बिजी रखती थी और मैं कितना वर्कआउट करती थी। क्योंकि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँगी। तो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि मैंने एटलीस्ट 4 डॉक्टर के पास में गई और मेरे सारे डॉक्टर्स और मेरे माँ बाप सब लोगों ने मुझे एक चीज़ कही कि मुझे अपने आप को बिजी रखना बंद करना चाहिए, मुझे बस जस्ट स्टॉप, मुझे इतनी सारी चीज़ें करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ से दूसरी चीज़ एक ही बार रीड करती रहती थी और मैं कभी अपने आप को एक सेकंड भी नहीं देती थी कुछ नहीं होने के लिए। और मैं ये करती रही जब तक फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे गलत एडवाइस दे रहे हैं या ऐसे कुछ, मैं वो नहीं कह रही, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि अलग लोगों के पास अलग लोग अलग तरीके से अपने हर एक का अनहेल्दी पैटर्न जो चीज़ें हम लोग करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हर इंसान अलग अलग चीज़ें करता है जो अपने आप के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं बिज़ी रहती थी और वो मेरे लिए, मैं इतना बिज़ी रहती थी कि मेरे लिए अभी बिज़ी रहना अच्छा नहीं था। और मुझे लगता है ज़िंदगी अंत में तो बैलेंस के बारे में होती है, तो कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करो तो अच्छी नहीं होती है। और डिप्रेशन और दूसरी भी मेंटल इलनेसेस हैं, वो हर इंसान में अलग अलग पर्सनालिटी उनके लिए की एक ट्रेट या 2-3 ट्रेट लेके एक्सट्रीम को जाती है। तो कैसे कोई किसी को बता सकता है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आपको यही करना चाहिए, मुझे अजीब लगता है। और मुझे पता नहीं कि अगर मैं किसी को बता पाऊंगी कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि इंसान की सिम्टम्स जो होते हैं या उनका डिप्रेशन कैसे बिहेव करता है, कैसे उनकी कैसे उस इंसान को बदलता है, वो अलग होता है हर इंसान के लिए। वर्किंग आउट भी मैं बहुत करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था और अब मैं डरती हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़, क्योंकि मुझे ताकतवर बनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर अब मैं वर्कआउट करने के लिए थोड़ा डरती हूँ, मुझे थोड़ा ये होता है। तो काम कर रही हूँ उस पर। बी पॉजिटिव, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि सच बोलूँ तो मैंने वो ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मैं अपने आप से झूठ बोलती हूँ, क्योंकि सबको, मतलब जब लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव या अच्छी चीज़ें सोचो
तो मुझे पता नहीं कि वो लोग कह रहे हैं कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए कि क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है, वो भी मुमकिन नहीं है. और मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं उदास हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा नेगेटिव हूँ, तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उस तरकीब को ठीक से ट्राई नहीं किया. पर पता नहीं, मुझे नहीं ट्राई करना है. पर तो ये चीज़ों के बारे में सोचते हुए मैं सोच रही थी कि फिर अगर कोई आया आपके पास और आपको बताता है कि आपके वो डिप्रेस्ड है या जो भी है, तो आप क्या बोल सकते हो? अगर आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हो और आपको पता नहीं कि उसकी डिप्रेशन कैसी दिखती है, मतलब उस इंसान के लिए उनका डिप्रेशन उसे क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर को क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे क्या? क्या बोल सकते हो आप? आपको क्या लगता है क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए?